नमस्कार, मेरा नाम कल्पना सालवी है। मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर में प्रवक्ता टेक्सटाइल डिजाइन के पद पर हूँ। आज का जो मैं टॉपिक आपको समझाने जा रही हूँ वो बनारस के ब्रोकेड्स का है। ब्रोकेड जो है एक तरह का बहुत ही सुंदर फैब्रिक है। बनारस में यह फैब्रिक बनाया जाता है, वाराणसी जिसका प्राचीन नाम है, और यह एक होली सिटी है, एक बहुत ही पवित्र स्थान है उत्तर प्रदेश का। बनारस जो है वो ब्रोकेड का सेंटर है। यहाँ पे हैंडमेड ब्रोकेड्स बनाए जाते हैं और यहाँ पे साड़ीज और ब्रोकेड से बने हुए वस्त्र प्राचीन काल से बनाए जा रहे हैं। जो ब्रोकेड वर्ड है वो लैटिन वर्ड ब्रोशर्स से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ट्रांसफिक्सिंग, जो डिनोट करता है ट्रांसफिक्सिंग। ये जो फैब्रिक है ये पूरे ही विश्व में, वर्ल्ड में बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता है, और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो वाप और वेफ थ्रेड्स की वीविंग से होता है, डिफरेंट कलर्स की और डिफरेंट मटेरियल्स के साथ। प्राचीन काल से ही ये जो है फैब्रिक ये बनाया जा रहा था। प्राचीन काल में ये सोने और चांदी के तारों से बनाया जा रहा था, जिसमें बहुत ही ज्यादा फाइननेस थी, और इनकी जो वीविंग थी वो प्योर गोल्ड और सिल्वर के वायर से ही की जाती थी। बाद में क्या हुआ कि इसमें सिल्क का जो धागा है वो ऐड कर दिया गया है, और इससे क्या हुआ कि जो फैब्रिक की जो बॉडी है उसमें एक कलर अप्लाई हो गया और उससे उसके फैब्रिक में अपग्रेडेशन हो गया। आज के टाइम में गोल्ड और सिल्वर के वायर्स जो हैं वो स्पेशली वेफ्ट में काम में लिए जाते हैं, और जो सिल्क के साथ में ट्विस्ट करके ही यूज किए जाते हैं। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ब्रोकेड वीविंग के जो सेंटर हैं वो इंडिया में डेवलप हुए थे, और ये जो डेवलप हुए ये वाराणसी, जिसको एक पवित्र स्थान कहा जाता है, वहाँ पे डेवलप हुए, क्योंकि इस एक्सपेंसिव फैब्रिक की जो डिमांड थी वो रॉयल फैमिलीज और टेम्पल्स में ज़्यादा थी। इसीलिए वाराणसी जो एक तरह से कैपिटल कहा जाता था, ये वहां पे डेवलप हुए प्राचीन काल में। पुराने जो सेंटर थे, एंशियन सेंटर जो थे, वो बनारस, गुजरात, दिल्ली, आगरा, मुर्शिदाबाद में सिचुएटेड थे। जो उत्तरी स्थान के जो वीवर्स थे वो उन्होंने जो इन्फ्लुएंस किया डिजाइन और टेक्निक का, वो ईस्टर्न एंड साउदर्न रीजन से लिया, पर्शिया, टर्की, सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान से, वो वहां से इंस्पायर होके और वीव करना स्टार्ट हुए। बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो वाराणसी के जो फैब्रिक्स थे वो बहुत ही प्लीजेंट थे हैंडल करने में, और दिखने में भी बहुत सुंदर थे और ग्रेटली पॉपुलर ऑल ओवर वर्ल्ड थे। और इसका जो टेस्ट जो था, मतलब कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ये इतना डेवलप था कि सभी इस ब्रोकेड वस्त्र को पहचानते थे और इसको अप्रिशिएट करते थे। एज पर द लीजेंड, जब बुद्धा ने अपना महापरिनिर्वाण किया और उनका जो मॉर्टल था वो बनारसी फैब्रिक में, मतलब जब उन्होंने वो समाधिस्थ हुए उस टाइम पे उनकी जो बॉडी थी वो बनारसी फैब्रिक में रैप किया गया, और उस फैब्रिक का जो कलर था येलो, रेड एंड ब्लू था। अजंता की गुफाओं में भी इसके वेरी पैटर्न्स डिस्प्ले किया गया है, और ये जो गुफाएं थी गुप्त पीरियड में बने थे, गुप्त काल कह सकते हैं, चंद्रगुप्त का जो काल है, अशोका का जो काल था, गुप्त काल का पीरियड होता था,
बिंदुसार का जो है पीरियड वो गुप्त काल का है। और ये जो पीरियड है इसमें बहुत सारे आर्ट डेवलप हुए थे और इसमें ब्रोकेड भी बहुत ही अच्छे से डेवलप किया गया था जिसके अंश हमें मिलते हैं। इसमें फ्लोरल डिजाइन, एनिमल, बर्ड्स के मोटिव, ज्योमेट्रिकल पैटर्न और बहुत सारे ही सुंदर पैटर्न इसमें बनाए जाते थे जिसके अंश हमें प्राप्त हुए हैं। और अर्ली ब्रोकेड जो थे वो इस तरीके के थे। कश्मीर में जो ब्रोकेड आर्ट है वो डेवलप हुआ सुल्तान जिनुल अबिदीन के टाइम में, आप 1459 टू 1470 एडी में, 15th सेंचुरी जिसको कहते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ईरान के वीवर्स को इंडियन वीवर्स से इंटरचेंज किया और उन्होंने इस आर्ट को एनकरेज किया ताकि इस आर्ट को और बढ़ावा मिले और इंडिया में यह डेवलप हो पाए। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन वीवर्स जो थे, आर्टिजन जो थे, वो एक कश्मीर में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई रॉयल फैमिलीज के द्वारा, उसमें शामिल हो गए और इस तरह से इस आर्ट को बढ़ावा दिया गया। देयर इज अ रिमार्केबल रिजेम्बलेंस बिटवीन बनारस ब्रोकेड एंड द जामावर शॉल्स ऑफ कश्मीर। मतलब इनके बीच में एक रिमार्केबल रिजेम्बल है जामावर शॉल्स जो होते कश्मीर की और ब्रोकेड की। इनके जो पैटर्न है वो कॉमन सोर्स मतलब नेचर से ही ड्रॉ किए जाते हैं। और जहांगीर जो थे उन्होंने इस आर्ट को अपनाया और कहा जाता है कि वो भी ब्रोकेड बनाने में एक्सपर्ट थे। आप देख सकते हैं स्लाइड में दो तरह के सैंपल्स हैं, एक जामावर शॉल का और एक बनारसी ब्रोकेड का। बनारसी ब्रोकेड को बहुत ही सुंदर तरीके से पेजली के मॉडिफाइड डिजाइन के साथ रिपीटेड फॉर्म में बनाया गया है। एवरी सोशल और रिलीजियस ग्रुप हैड इट्स ओन नॉर्म्स रिगार्डिंग द कलर, डिजाइन एंड मटेरियल ऑफ देयर गारमेंट। और जो हिंदू थे वो ब्राइट कलर इस सिल्क फैब्रिक यूज किए जाते थे, पसंद करते थे वो। और उनमें जो उनके स्पेसिफिक कलर्स वो यूज करते थे वो रेड, येलो एंड ऑरेंज थे। मशरूब जो है वो एक मिक्स फैब्रिक जैसा उसका कहा जाता है और वो मुस्लिम के द्वारा यूज किया जाता था। और उनके जो स्पेसिफिक कलर्स थे वो लेवेंडर, स्काई ब्लू, व्हाइट और मैजेंटा ब्लैंकेट। एनिमल और ह्यूमन फिगर्स के पैटर्न्स मुस्लिम्स के द्वारा ज्यादा फेवर किए जाते थे। सिल्क विविंग इंडस्ट्री जो है वो वाराणसी में सेंचुरी से चल रही है और ये एक तरह से डिवाइडेड है हिंदू और मुस्लिम में। मुस्लिम्स जो है उन्होंने मोनोपलाइज किया कि उनके ही वीवर्स काम करें और जो उनके यहाँ वीवर्स काम करें वो मोस्टली मुस्लिम हो और जो हिंदूज के यहाँ वीवर्स काम करें वो हिंदूज हो। सिल्क जो है वो यहाँ ये बेसिक रॉ मटेरियल है मैनी टाइप्स ऑफ ब्रोकेड के लिए। और जो सिल्क में जो सिल्क स्पेसिफिक सिल्क यूज किया जाता है वो मलबरी सिल्क है। और अपार्ट फ्रॉम दिस सिल्क ब्रोकेड्स की जो ब्यूटी होती है मतलब वो नॉन इंडिजीनियस मटेरियल से बनाई जाती है और यही नॉन इंडिजीनियस मटेरियल्स जो है वो इस सिल्क फैब्रिक में एक वैल्यू ऐड कर देते हैं। जैपनीज और चाइनीज सिल्क थ्रेड भी यूज किए जाते हैं। और आज के टाइम में क्या हो रहा है कि इन सिल्क थ्रेड्स का यूज करके एक बहुत ही सुपीरियर क्वालिटीज का इवन शाइन फैब्रिक डेवलप किया जा रहा है। और ये जो वहाँ पे जापान और सिल्क के लोग अपने क्लोथ्स में और गारमेंट्स में उसको पहनते हैं ये बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता है। जरी जरी की बात करें तो
जरी गोल्ड एंड सिल्वर के थ्रेड जो होते हैं जो इंडियन ब्रोकेज में यूज किए जाते हैं, जरी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, बडला एक तरह की जरी होती है, बादला जिसको कहते हैं, और ये फ्लैट एंड गोल्ड एंड सिल्वर वायर से बनाई जाती है, कलाबत्तू एक तरह की थिन सिल्वर वायर और गोल्ड वायर से बनाई जाती है, तो सिल्क के साथ और कॉटन के साथ ट्विस्ट करके बनाई जाती है, और आज के टाइम में रेयॉन थ्रेड्स के साथ भी बनाई जाती है। रॉ मटेरियल की बात करें तो ब्रोकेड ब्रॉडली जो दो तरह के रॉ मटेरियल्स होते हैं, ब्रोकेज में प्योर सिल्क और कॉटन ब्लेंड यूज किए जाते हैं, जरी ब्रोकेज में गोल्ड और सिल्वर थ्रेड यूज किए जाते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल जो होता है वो होता है सिल्क, जो वीविंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल है। और ये जो है वो लवली वेव को फैसिलिट करता है, ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, फाइन है, स्मूथ है। इसमें रॉ सिल्क की सेवरल वेराइटीज हैं जैसे, और इनको हमने नेम किया है तंदूरी, बांका एंड मुक्ता। तंदूरी जो है वो इम्पोर्टेड की जाती मालदा से और दूसरे स्थानों से। बांका जो है वो थिनर और फाइनर वैरायटी का यार्न होता है जो सॉफ्ट फैब्रिक को बनाने में वीव किया जाता है, और ये साफी बनाने और हैंडकरचीफ बनाने के लिए भी काम आता है। मुक्ता जो है वो एक कोर्स और ड्यूरेबल सिल्क है जो लिफाफ बनाने के लिए काम में आता है, और ए फाइन सिल्क डजंट विदस्टैंड हैवी गोल्ड पैटर्न। और जो ब्रोकेड है वो प्योर सिल्क एंड कॉटन ब्लेंड से बनाया जाता है। फैब्रिक के टाइप्स बताए तो इसमें दो तरह की होती है, किमख्वाब और कामख्वाब, और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो भी दो तरीके से किया जाता है। पहले टॉपिक की बात करें तो लूम फिनिश फैब्रिक्स जो होते हैं वो सारीज, ओढ़नी, पटकास, पंखास, कर्टेन्स में काम आता है। यार्डेज जो होता है, इसका जो यार्डेज होता है वो यूजुअली यूज फॉर ड्रेस मटेरियल, अपहोल्स्ट्री के लिए और कर्टेन्स के लिए भी काम में आता है। जो बेस्ट नोन ब्रोकेड फैब्रिक है वो कामख्वाब और किमख्वाब है, और इनके जो मेन सेंटर्स हैं वो वाराणसी में है और अहमदाबाद में है, सूरत के अंदर। इनकी जो कॉस्ट होती है वो एलिगेंस और कॉस्ट जो है उसने एक तरह का इनको नाम दिया है जिसका मतलब होता है समथिंग अ पर्सन कैन नॉट ड्रीम ऑफ इफ ही हैज नॉट सीन इट। काम का मतलब होता है छोटा, ख्वाब का मतलब है ड्रीम, किंगडम इन चाइनीज। इट्स स्पेशलिटी इज द प्रोफ्यूज यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड, मतलब काम की जो एक स्पेशलिटी है कि इसमें गोल्ड और सिल्वर के वायर्स ही यूज किए जाते हैं, और इसमें जो बैकग्राउंड होता है सिल्क बैकग्राउंड होता है वो बेयरली विजिबल होता है, और इट इज मेनली यूज फॉर सेरेमोनियल रोब्स, हैंगिंग्स एंड फर्निशिंग, मतलब ये सेरेमनी शादी ब्याह में काम में लिया जाता है। वीविंग का जो प्रोसेस है, वीविंग ऑफ द बनारसी साड़ीज इज ऑब्जर्व एट बनारस एंड करंटली अप्रोक्सीमेट 40,000 एक्टिव वीवर्स आर फाउंड अलोंग विद ग्लैमर एक्टिव डीलर्स, बायर्स, डिजाइनर्स एंड सप्लीमेंट्री सपोर्ट प्रोवाइडर। मतलब बनारसी साड़ीज का जो वीविंग सेंटर है वो करंटली बनारस है, और 40,000 इसमें आर्टिजन्स, डीलर्स, वीवर्स इसमें काम कर रहे हैं। बिफोर द वीविंग द सिल्क यार्न अंडरगोस फ्यू स्टेप्स एंड देन द वीविंग बिगिंस। जैकार्ड का कार्ड होता है, स्पूल्स होते हैं, बीम सेटअप की जाती है यार्न के डिफरेंट कलर्स के साथ में, बाद में वीविंग की जाती है। जैकार्ड के जो कार्ड जो होते हैं वो साड़ी के डिजाइन के लिए काम होते हैं, और जो डिजायर डिजाइन होती है वो क्या होती है, ये कार्ड पे बनाई जाती है, और पहले वो शीट और ग्राफ पेपर से बनाई जाती है। ये जो ग्राफ शीट होती है वो कार्ड
और ये एक रेफरेंस बन जाता है कार्ड्स को पंच करने के लिए, एंड देन दे आर मेड टू सेट ऑफ कार्ड, और ये सेट ऑफ कार्ड बनाते हैं, फिर वो बांध दिए जाते हैं एक साथ और जैकार्ड मशीन में लोड कर दिए जाते हैं। यार्न्स जो है द रॉ सिल्क यार्न्स है प्रोसेस्ड, ये प्रोसेस किए जाते हैं फिर डाई किए जाते हैं सुटेबल कलर से, और इट फॉलोज समथिंग दैट ऑफ टाई एंड डाई प्रोसेस। सारीज लाइक शिफॉन अंडरगो दिस टाई एंड डाई प्रोसेस। यार्न जो होता है इनिशियल प्रोसेसिंग स्टेजेस के बाद में इसको वार्पिंग एंड वेफ प्रोसेस में सेग्रीगेट किया जाता है डाइंग में, और जो थ्रेड्स होते हैं वो आर स्पन टू स्पूल्स, स्पिनिंग व्हील से इसको किया जाता है, और जो स्पूल्स होते हैं वो फ्लाई शटल्स थ्रेड के साथ में इसको किया जाता है, और जो शटल होती है उसको फ्लाई शटल को वेफ कहते हैं। वार्प थ्रेड जो होते हैं आर गॉट रेडी बाय स्प्रेडिंग देम लेंथवाइज क्रेटेड पोल्स एंड इज रोल्ड टू बीम व्हिच इज लेटर फिक्स्ड टू द लूम। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यार्न की डाइंग हो रही है, किस तरह से फैब्रिक के फिनिशेस हो रही हैं, और किस तरह से ये लूम पे यार्न चल रहे हैं, किस तरह से वापिंग हो रही है, किस तरह से लूम का सेटअप हो रहा है। वीविंग जो है वो द लूम इज सेटअप विद द थ्रेड्स एंड प्रोसेस ऑफ वीविंग इज बिगिन बिफोर द विच द जैकार्ड कार्ड्स आर फिक्स्ड इनटू द जैकार्ड मशीन एंड फॉलोइंग द कार्ड द थ्रेड आर पुल्ड एंड द डिजायर डिजाइन एंड द सारी इज वीव्ड। मतलब ये इसका एक प्रोसेस है कि किस तरह से साड़ी की डिजायर डिजाइन आती है लूम पर और किस तरह से साड़ी वीव की जाती है। वाप में क्या होता है, क्राफ्ट्समैन जो होते हैं वो एक बेस तैयार करते हैं रिक्वायर्ड लेंथ का, और वंस द पंच कार्ड आर प्रिपेयर्ड दोज आर स्पन विद ऑल्टर्ड थ्रेड्स एंड कलर्स ऑन द लूम अलाउिंग द डिजाइन एंड आर पेडल्ड इन एन ऑर्डरली मैनर that the main weaving picks up right color and pattern to produce the design and weave as well. देख सकते हैं आपकी कार्ड की पंचिंग किस तरह से हो रही है, किस तरह से पैडल्स हैं, किस तरह से इन्होंने वीविंग कर रहे हैं मोटिव से पैडल्स। जब फैब्रिक का फॉर्म इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकल आर्टिजन्स जो थे उन्होंने हिंदू कल्चर को अडॉप्ट करके इन्फ्लुएंस होके और बहुत ही अच्छे मोटिव्स बनाए, जो पेजली फ्लोरल मोटिव्स के पैटर्न्स थे, मारीगोल्ड जैस्मिन इस टाइप के डिजाइन उन्होंने बनाए, फ्रूट्स डिजाइन थी मैंगो की, एनिमल पैटर्न बनाए एलिफेंट हॉर्स डियर्स एक्सेट्रा, बर्ड डिपिक्शन किए पिकअप पैरट के एंड सन मून स्टार्स से भी इन्फ्लुएंस होके कुछ मोटिव्स डेवलप किए। मोस्टली जो बनारसी साड़ीज थे वो एंशियंट मुगल टाइम को से इन्फ्लुएंस थे, और इनके मोटिव्स में ये देखा जा सकता है कि इसमें फ्लोरल और फॉलिएट मोटिव्स थे। कुछ मोटिव्स जो थे वो विलेज सीन्स और फेयर्स के डिजाइन से इंस्पायर होके थे, और कुछ आर्किटेक्चर से थे, कुछ टेम्पल्स से मॉस्क्यूज से भी थे। जो साड़ी का जो एज होता है, साड़ी बॉर्डर था, वो बनारसी कैरेक्टरिस्टिक को बिल्कुल दिखाता है। अनादर सेलिब्रेटेड पैटर्न ऑफ बनारस ब्रोकेड इज जाल और नेट डिजाइन, मतलब ये बहुत ही अच्छा मोटिव इसका है, जाल और नेट डिजाइन, और इसे जांगला भी कहते हैं। इट इज अ रिच पैटर्न कवरिंग द ग्राउंड ऑफ द फैब्रिक एंड ओ इट्स ओरिजिन टू टर्किश ब्रोकेड। बनारसी जाल जो होता है बहुत ही डेलिकेट है, और जाल में फ्लावर बर्ड और एनिमल फॉर्म्स जो थे वर एनक्लोज विद इन अ नेटवर्क फॉर्म इवॉल्व फ्रॉम आर्क स्क्वायर और अदर ज्योमेट्रिकल फॉर्म। फ्लावर्स और क्रीपर्स के डिजाइन इंटरलॉक करके ग्राउंड को फिल करने के लिए बनाए जाते हैं। हैदराबादी जांगला फिर इंट्रोड्यूस हुआ वीवर्स के साथ में,
और इसकी जो डिमांड है वो फ्लावर एंड क्रीपर जो थे वो इंटरलॉक हुए, फीलिंग अप द ग्राउंड, द हैदराबादी जांगला जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ वीवर्स के साथ में, और डिमांड इसकी बड़ी निजाम ऑफ हैदराबाद में। फिर बाद में इसका अडेप्शन हुआ, पर्शियन प्रोटोटाइप इसके बनाए गए, और ये बनारसी लतीफा बूटी के नाम से फेमस हुए, और इसको जो बनाया वो लतीफ मिला मियां ने बनाया। रिलीजन जो थी उन्होंने इससे क्या हुआ कि डेकोरेटिव वैरायटी ऑफ मोटिव डेवलप हुए, और बनारसी बीइंग अ रिलीजियस सेंटर हैड अ लार्ज डिमांड फॉर क्लोथ वोवन स्पेशली फॉर टेंपल्स एंड डिवोटीज, अलोंग विद फ्लोरल पैटर्न्स, ऑस्पिशियस सिंबल्स एंड फिगर ऑफ डाइटीज वर आल्सो यूज्ड एज मोटिव। इन प्रेजेंट डे मोर कंटेम्पररी डिजाइन ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम द पास्ट एंड फ्यूज इट विद मॉडर्न इन्फ्लुएंस अक्रॉस ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनारसी ब्रोकेट की बॉर्डर्स है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स है, पॉपुलर मोटिव है, अशर्फी बूटी का जाल है, फूलदार बूटी है। ये जांगला साड़ी, सांचुई साड़ी और टिशू साड़ी के आप देख सकते हैं डिजाइन्स को। बूटीदार साड़ीज के सैंपल्स जो हैं, जो बूटीदार साड़ीज होती है वो गोल्ड और सिल्वर के थ्रेड से बनाई जाती है। ये कॉमन फाइन एंड पैनल कंसिस्टिंग ऑफ रॉ ऑफ आर्क्स विद अ बर्स्ट ऑफ सिल्वर। कटवर्क साड़ीज का सैंपल देख सकते हैं आप। कलर्स जो है वो ब्रोकेट वीविंग में एक बहुत ही वाइटल पार्ट प्ले करता है। इसका जो चार्म है और सबटल ब्यूटी है वो पूरा का पूरा ब्रोकेट जो डिपेंड करता है वो कलर के सिंक्रनाइजेशन पे। अर्लियर वेजिटेबल डाइज यूज की जाती थी, और दिस प्रोड्यूस पास कलर लास्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट अ जनरेशन। आज के टाइम में केमिकल डाइज यूज की जाती है, और एक इसको पॉपुलैरिटी भी मिल गई है क्योंकि केमिकल डाइज यूज करने से चीपर और लेस टाइम कंज्यूमिंग हो गया। मार्केट देखिए आप, मार्केट के जो बात करें, ये एक ऐसा स्पेशल फैब्रिक है जो हमेशा से मार्केट के डिमांड रहा है। इसकी जो साड़ीज होती है वो पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। बनारसी ब्रोकेट जो है वो फिर से एक ग्रेट डिमांड में आ गया है। इसके जो पैटर्न्स एंड मोटिव है वो यूज टू क्रिएट ब्रोकेड वर्क आर आल्सो बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू वेस्टर्न गारमेंट्स टुडे, एंड दिस हैज बीन सीन ऑन इंटरनेशनल एज वेल एज इंडियन रनवे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको कंटेम्पराइज और आज के वेस्टर्न लुक के में इसको यूज किया जा रहा है। घाघरा चोली साड़ीज इवन स्टोल्स भी बनाए जा रहे हैं। कंटेम्पररी प्रोडक्ट्स में टी कोस्टर्स, क्लच, कुशन कवर्स भी बनाए जा रहे हैं, और इसकी इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं कि रेनेसेंस से किस तरह से इंस्पायर्ड होके इसको बनाया गया है। होप मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए, आप आपके नॉलेज में अपग्रेडेशन कर पाए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। थैंक यू सो मच।